भावांजलि प्रस्तुत कर दी। श्रद्धांजलि जयंत में दीन बंधु दल द्वारा आयोजित किया कार्यक्रम चौमुहा, जहां पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं शहीदों की आत्मा शांति की प्रार्थना करने के लिए धर्मनगरी भी पीछे नहीं है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च, हवन यज्ञ, मंदिरों में प्रभु से प्रार्थना तक की जा रही है। वहीं जनपद के गांव जैट के सामाजिक संगठन दीन बंधु दल द्वारा शहीदों को भावांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां बड़े बड़े कवियों ने काव्यांजलि प्रस्तुत कर शहीदों की श्रद्धांजलि दी। वहीं कवियों ने अपनी कविता के जरिए भावना को प्रकट कर पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा की। दीन बंधु दल के अध्यक्ष व कवि रितेश गौतम ने कहा कि न भूलेंगे न माफ करेंगे, अब एलओसी पार करेंगे, कान खोलकर सुन लिया अजहर, हम घर में घुसकर वार करेंगे। वहीं कवि डॉक्टर रमा शंकर पांडे ने कहा, लगा के प्राण की बाजी, खड़े हैं सरहदों पर जो, उन्हीं की जान की कीमत पर हिंदुस्तान जिंदा है। शिक्षक की अश्वीर सिंह राघव ने प्रधानमंत्री जी को घेरते हुए कहा कि बहुत हुआ मोदी जी, अब यह मौन तुम्हारे खलते हैं। रोज शहीदों की शहादत पर जिगर हमारे जलते हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद को अब तो कोई झटका दो, जो सेना पर पत्थर पर फेंके उसे लाल किले पर लटका दो। इस मौके पर श्याम सिंह, कृष्ण गोपाल, कौशल, सुभाष प्रधान, जीतू, सतीश सिंह, पवन सिसोदिया, लोकेश सिसोदिया, भरत सिंह, वहीं कवि देवी प्रसाद, ओम, गोप, विनीत, कुशुमलता, हेमंत, तेज, अनिल इत्यादि मौजूद रहे। शहीदों के लिए हमने भावपूर्ण भावांजलि का आयोजन यहाँ पे किया है। हम देख रहे हैं जगह जगह कैंडल मार्च पूरे देश में किए जा रहे हैं, शोक सभाएं की जा रही हैं और पुतले दहन किए जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक सबसे हटके तरीका अपनाया जाए और अपने अमर शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करके उनकी पुण्यात्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करें। कितने कवि यहाँ पर आए होंगे? आज हमारे इस आयोजन में 13 कवि उपस्थित हैं, जिसमें वरिष्ठ रूप से शिखर कलश से इस काव्य संस्थान के डॉक्टर रमाशंकर पांडे हमारे मध्य उपस्थित हैं, और भी काफी कवि, ओम जी, अभय जी और गोप जी, कुसुम लता जी, हेमंत जी और तेज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके कवियों द्वारा काव्यांजलि प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या उम्मीद रखी है? हम प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद रखते हैं कि वो इस कुकृत्य का जरूर बदला इस पापी पाकिस्तान से जरूर लेंगे, और हम पाकिस्तान से भी मैं दो लाइनों में कहना चाहूँगा कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, अब एलओसी पार करेंगे और कान खोल के सुन ले असर, घर में घुस के बाहर करेंगे। इन्हीं के जो शहीद हमारे चले गए हैं, और मैं पूरे देश से कहूँगा जिस तरीके से वो खड़े हैं आज कैंडल मार्च लेके, आज से कुछ दिन बाद उनके परिवार के साथ उसी तरीके से खड़े रहे जिस तरह आज खड़े।